सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 अप्रैल को क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर जो है, किस दिन का लॉकडाउन पूरे देश के अंदर लागू है, लेकिन अब 7 दिन ही लॉकडाउन के बाकी है, लेकिन हालात क्या है देश के अंदर, इसको भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर है और क्या पीएम मोदी इस पर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने किस दिन का लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन हालात क्या हैं, क्या जो है इजाफा लगातार मरीजों में देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए क्या सरकार इस लॉकडाउन को खत्म करेगी। अगर खत्म करती है तो फिर किस आधार पर करती है, क्योंकि एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन को खत्म करना बेहद ही कठिन होगा। इस पर भी बड़ी खबर है और इस पर क्या यहाँ पर आंकड़े, इस पर भी आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। इसको लेकर भी क्या दवाई यहाँ पर बना दी गई है, इस पर भी अब बड़ी खबर है। कई ऐसी कंपनियां हैं और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि देश के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस वायरस को मारने की दवाई तैयार कर रही हैं, लेकिन अब तक ठोस यहाँ पर जो खबर है उसके आधार पर ये जानकारी नहीं है कि इस दवाई को बना लिया गया है। लेकिन ट्रेन, बस या सभी जो यहाँ पर वाहन है उन पर प्रतिबंध है और 30 अप्रैल तक को ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक इन पर प्रतिबंध ही रहेगा। बड़ी खबर यहाँ पर मंत्रालय से भी जारी हुई है, जो आंकड़े यहाँ पर हैं, दुनिया भर में 13,50,840 केस यहाँ पर इस मामले से जुड़े हुए हैं और इतने मरीज यहाँ पर हैं पूरी दुनिया के अंदर। कुल मौत यहाँ पर कह सकते हैं 74,870 हुई है। ठीक दिन में अगर बात की 285,437 मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अपने देश की बात करें तो 4,727 अब तक मरीज यहाँ पर हैं और ये वीडियो अब तक पहुंचे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कुल यहाँ पर जो दम तोड़ चुके लोगों की संख्या है वो 132 है और ठीक जो हुए हैं वो 338 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। लेकिन क्या कहता है लॉकडाउन को लेकर सवाल, और लगातार ये सवाल अब काफी गर्मा चुका है कि लॉकडाउन बढ़ेगा क्या। ऐसी खबर है कि लॉकडाउन को लेकर जो सरकार है लगातार प्रयास कर रही है और लॉकडाउन को लेकर ही सरकार ने जो है 3 महीने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो लॉकडाउन पर बड़ी खबर है, लॉकडाउन बढ़ने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हालांकि विचार इस पर भी हो रहा है ऐसी जगह जहां पर जो है इस तरह की जानकारी है कि उन जगहों पर अब तक कोई केस नहीं मिले हैं और ऐसे जगहों पर 14 अप्रैल के बाद कुछ रियायत दी जा सकती है। हालांकि लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाए जाने की मांग कई राज्य कर रहे हैं, जिसमें कर्नाटक सरकार हो या यहां पर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, कई ऐसे बड़े राज्य हैं जो कि अब यहां पर लॉकडाउन की मांग करें कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। अगर आगे बढ़ाया जाता है तो क्या परिस्थितियां बन सकती है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लॉकडाउन को अचानक नहीं हटाया जा सकता, ये भी यहां पर गहलोत का कहना है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में भी यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए देश के अंदर लॉकडाउन को हटाना सरकार पर एक बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में वो हैं और देश में जिस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि जिस वक्त ये लॉकडाउन लागू किया गया था उस वक्त काफी कम ही मरीज थे देश के अंदर, लेकिन आज की कंडीशन में क्या है आंकड़ा। इसके अलावा अगर बात के जो यहाँ पर बड़े बड़े निश्चरण उन्होंने अपनी जानकारी दी है, उसके आधार पर लॉकडाउन जो है 49 दिन तक बढ़ सकता है, ऐसी खबर है। और इसके बीच 5 दिन की यहाँ पर छूट मिल सकती है, 2 लॉकडाउन हो सकते हैं अगर स्थिति काबू में नहीं आती है, जो कि यहाँ पर अगर स्थिति काबू नहीं आती है तो फिर यहाँ पर 3 लॉकडाउन भी हो सकते हैं और इन लॉकडाउन के बीच 5-5 दिन का अंतर हो सकता है। बीच में पहला लॉकडाउन जो 21 दिन का है उसमें ये समाप्ति पर है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं है, इसको देखते हुए 5 दिन का गैप के बाद 28 दिन का लॉकडाउन लागू हो सकता है। अगर स्थिति काबू में नहीं आती है तो फिर 5 दिन का गैप देकर 18 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों का मानना है। इसके अलावा अगर स्थिति काबू में नहीं आती है और बिना कोई ब्रेक के 49 दिन का लॉकडाउन भी लग सकता है, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये खबर लॉकडाउन को लेकर है, लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि कई राज्यों में ये लॉकडाउन और भी बढ़ सकता है आगे आने वाले समय में, और कई राज्यों के उन जिलों पर जहां पर इस तरह के मामले दर्ज नहीं है उन राज्यों के उन जिलों में यहां पर रियायत दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर यहां पर लॉकडाउन को लेकर सामने आ रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए।